हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग लखनऊ से वापस आ गए हैं, तो आज जो है बाबा की तरफ से लक्ष्य को एक गिफ्ट मिला है, साइकिल का। बहुत दिनों से बेटा बोल रहा था कि मम्मा मैं साइकिल लूँगा, पापा मेरे को साइकिल दिला दो, पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी कि हम लोग साइकिल नहीं ले पा रहे थे। जब हम लोग लखनऊ पहुँचे तो लक्ष्य ने अपने दादाजी से शेयर की ये बात, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं दिला देता हूँ, मम्मी पापा से मत बोलो, तो उन्होंने पैसे दिए थे। तो हम लोग आज साइकिल लेके आए हैं। कैसी लग रही है साइकिल, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और मेरे बेटे को बधाई दीजिएगा, बहुत खुश है। उसकी ही पसंद की साइकिल हम लोगों ने ली है, उसकी पसंद का कलर हम लोगों ने लिया है। तो वो बोला मैं भी अपनी साइकिल का पूजन करूँगा जैसे सब लोग अपनी गाड़ियों का करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं उसे बताती जा रही हूँ। वो सभी जगह तिलक लगा रहा है साइकिल के हैंडल में, इधर उधर सब जगह। तो फिर बहुत खुश हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उसको कि उसकी साइकिल आ गई, जिसको वो कितने दिनों से बोल रहा था मैं साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए। पर क्या करें, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो और मिडिल क्लास लोगों की लाइफ ही ऐसी होती है। तो फिर बाबा की ओर से एक बहुत ही प्यारा और नन्हा सा गिफ्ट हमारे लक्ष्य को मिला है, तो थैंक यू लक्ष्य की तरफ से उसके बाबा को, और आप सभी से बेस्ट विशेस हमारे लक्ष्य के लिए। बस और क्या, यही हमारा सब चल रहा है। मैं भी उसकी साइकिल का पूजन करने में उसकी हेल्प कर रही हूँ। यहाँ पर लक्ष्य की साइकिल को माला पहनाई जा रही है और उसका पूजन किया जा रहा है। देख रहे होंगे आपके लक्ष्य कितना उछल रहे हैं, कितना उनको अच्छा लग रहा है। अब बच्चे को उसका मुँह मांगा गिफ्ट मिल गया है तो बच्चा तो खुश हो ही जाएगा। मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी कि आप मेरे पुराने वीडियोस को भी प्लीज़ वॉच किया कीजिए दोस्तों। मैंने जब स्टार्ट करा था चैनल बनाना तो मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, तो प्लीज़ उन्हें भी वॉच किया कीजिए। वो भी बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, बहुत मेहनत की है मैंने, और आप अप्रिशिएट करेंगे तो मैं और आगे बढ़ूंगी। तो मुझे मैं मेरा परिवार है आप सब लोग, तो मुझे आपसे कहने में कहीं कोई वैसा लग नहीं रहा है कि आप ऐसा करें या वैसा करें। मेरा परिवार है, मैं हक से आपसे बोल सकती हूँ कि आप मेरे पुराने वीडियोस को भी वॉच किया कीजिए, जिससे मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि पहले मैं कैसी थी, क्या करती थी, कैसा क्या था। तो यही सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिए आप लक्ष्य जो हैं वो साइकिल की आरती भी कर रहे हैं। मैंने बताया कि इस तरीके से थाली घुमानी है, उल्टी घुमाए जा रहे थे, फिर उसके बाद मैं भी उसके साथ पूजा करवा रही हूँ। तो ये दादाजी की तरफ से पोते को एक प्यारा सा गिफ्ट मिला हुआ है। हमारे घर में एक प्यारा सा नन्हा मेहमान आया हुआ है, सारा दिन अब लग साइकिल ही चलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। पर साइकिल की पूजा होने के बाद अब साइकिल को चलाने वाले ड्राइवर की भी पूजा कर रही हूँ। अब साइकिल की पूजा होगी तो जो चलाएगा उसकी भी तो पूजा होगी, और उसे तो इतना शौक़ है, मम्मा मेरी भी तो करो, मम्मा मुझे भी तो तिलक लगाओ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चल तेरे को भी मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग आज की खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेरे बेटे की खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जब अपने बच्चे को कहीं कुछ मिलता है, उसके मन की चीज़ मिलती है तो मन को बहुत तसल्ली मिलती है। इस महंगाई के ज़माने में, इस ऐसे ज़माने में अपन लोग क्या कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, अपन ही लोग समझते हैं। और जब बच्चे को ऐसा कुछ मिलता है या उसे उसकी पसंद का कुछ मिलता है तो अच्छा लगता है। तो बस यही आज का मेरा वीडियो था, और इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं
मंदिर जाएंगे। इसके बाद साइकिल के आने की खुशी में बच्चा बोला कि मम्मा हम लोग मंदिर भी चलेंगे। तो हमने कहा अच्छा ठीक है चलना मंदिर। तो हम लोग जाएंगे मंदिर भगवान के दर्शन करने, बजरंग बली के और भोले बाबा के। उनकी कृपा से जो होता है सब उन्हीं की कृपा से होता है। और यहाँ पर देखो आप, तुरंत साइकिल आई और यहाँ चलना स्टार्ट हो गया है साइकिल का। घूम घूम के चला चला के दिखा रहे हैं कि मैं, मेरे को आती है साइकिल चलाने। पर हम लोग बहुत ही एहतियात बरत के साइकिल चलाते हैं। कम गाड़ियाँ जब निकलती हैं रात के समय और सुबह मॉर्निंग में भी, तभी उसको चलवाते हैं, क्योंकि छोटा है ना अभी। यहाँ पर देखिए आप, हम लोग मंदिर आ चुके हैं बजरंग बली के, और यहाँ पर भोले बाबा का भी मंदिर है और सभी देवता भी विराजे हुए हैं। तो हम लोग उनके दर्शन कर रहे हैं। अच्छा लगता है जब अपने पास कभी कहीं खुशी मिलती है छोटी सी, तो फिर भगवान को धन्यवाद करना और उनसे उनसे ही मांगना, जो भी कुछ हमारे जीवन में है जैसा है सब उन्हीं को धन्यवाद देना, और जो भी दुख है उन्हीं से बोलना कि इन्हें हर लीजिए भगवान। तो हम लोग भोले बाबा और बजरंगबली के मंदिर में आए हुए हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।